आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ। ये हमारा सिटिंग एरिया है। एंट्री करते ही हमारा सिटिंग एरिया। फिर ये जो यूनिट ब्लॉक है, हमने बाथरूम की क्रिएट की है बीच में। और ये हमारा है बेड। यहाँ पे भी एक सेट आउट एरिया। ये बेड, अब इसका मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। ये हमारी जो लेंथ है, ये 22 फिट 22 16 फिट, मतलब बीच में वहाँ पे सिटिंग एरिया दे के पार्टीशन बाथरूम वॉल क्रिएट की है। और बाथरूम वहाँ स्टार्टिंग में था कि हमने बीच में दिया है। इस साइड है हमारा वार्डरोब, ये सिटिंग, हमारा बेड, लाइट्स, टेलीफोन यूनिट और सिटिंग एरिया है। इधर हमारी स्लाइडिंग विंडोज और आउटसाइड व्यू, यूपीवीसी विंडो है और कार्टन को कवर कर दिया है। इस वाले लेआउट का प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे जो भी बैठेगा उसको बेड विजिबल नहीं होगा, और दूर से भी जो आएगा तो वार्डरोब ने उसका फर्स्ट एंगल कवर किया हुआ है। ये हमारे बैग के लिए, ये वार्डरोब, बड़े बड़े मिरर दिए हुए, ये साथ में सिटिंग बैग वैग रखने के लिए। अभी चेकआउट हो रहा है ये रूम। और ये हमारा सोफ़ा कम बेड, सिटिंग टेबल्स, देयर इज ऑल्सो बिग विंडो, बिग यूपीवीसी विंडो और आउटसाइड व्यू। आपको जो भी एंटर करेगा उसकी आई से दिखाता हूँ। देखिए एंट्री में, यहाँ से एंट्री करते हैं, बेड विजिबल नहीं है, बाथरूम वगैरह। ये है आपका फैन दिया है, 22 बाई 16 रूम का है। और जो हमारा बाथरूम का साइज़ है, बाथरूम भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 7 फिट ऐसे चौड़ाई में, 7 बाई 9 का बाथरूम है। ये हमारा वॉश बेसिन यूनिट है, बड़ा सा मिरर दिया है, ग्लास पार्टीशन, ए टाइम का डफन ग्लास, रेन शावर, ये क्लोज हो गया पूरा रेन शावर से पार्टीशन। ये हमने ड्राई ड्राई एरिया, वेट एरिया सब अलग किया हुआ है। ये हमारी टॉयलेट सीट यूनिट सब अलग है। और ये इसकी आ गई फॉल सीलिंग, ये हमने 8 mm के बोर्ड से कवर किया हुआ है। ये सारी 6 बार की फिटिंग। तो ये ऐसा रूम करके आप भी इसको कवर कर सकते हैं बीच में। अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा है तो उसको बेड नहीं दिखाई देगा, दिखेगा का सिटिंग एरिया यूनिट्स। यहाँ पे फ्रिज रखने का स्टार्टिंग में ही, ये कैटलरी है, मैंने फ्रिज रखा है, मिनी बार, ड्रॉर हुआ, यही सब है। और ये सबसे बढ़िया है क्योंकि सर्विस एरिया बाथरूम में आना जाना है, तो यहाँ पे हमने दिया है कजारिया की टाइल्स। और यहाँ पे ग्रेनाइट से एक पार्टीशन दे के ये हमने वुडन फ्लोरिंग दी है। ये वुडन फ्लोरिंग है, ये फिर से यहाँ पर टीवी कैबिनेट, ग्लास एरिया, लाइट्स, बेड, बेड नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये आपका, ये हमेशा इस साइड होना चाहिए ताकि बेड से जो कपड़े निकालने हो इस साइड को पास पड़े। ये आपका रूम का लेआउट है। थैंक यू।